बनाने जा रहे हैं अचारी गोश्त। ये अचारी गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है। जैसे कि हम कोई भी सब्जी के साथ खाने के साथ साइड में अचार खाते हैं, उसी तरीके से ये बनेगा। बहुत झटपट बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे खिचड़ी, दाल, कोई भी राइस हो या फिर किसी भी तरीके का खाना हो, उसके साथ हम इसे खा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर बॉयल किया हुआ टुकड़े टुकड़े में गोश्त लिया हुआ है। ये टुकड़े टुकड़े बहुत छोटे कर लिए हैं मैंने इसके, और उसे साफ़ कर लिया है। और साफ़ करके कुकर में डाल के हल्दी नमक डाल के इसे बॉयल कर लिया है, गला लिया है। और इस तरीके से ये लगभग 100 ग्राम या एक कटोरी भर के फुल गोश्त है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। सूखे मसालों में यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 टीस्पून मोटी वाली सौंफ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो उसके बगैर भी बन जाएगा। और 2 तेज़पत्ते। और यहाँ पर 1 नींबू का रस लिया है, ये बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारा अचार में खटास आएंगी। और यहाँ पर लिया है पाउडर मसाले में 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये आपके हिसाब से आप तेज़ रखिएगा। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से नमक। हमने ये गलाते वक्त इसमें भी नमक डाला है, इसलिए ये नमक अपने अंदाज से उसके अंदर डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने एक बर्तन में 2 बड़े चम्मच भरकर तेल डाल दिया है। अब फुल फ्लेम पर हमें तेल को कड़कड़क गर्म करना है, और उसके अंदर हमें जो गोश्त के पीसेस है बॉईल किए हुए, उसे फ्राई करना है। तेल जो है अच्छी तरीके से कड़क गर्म हो गया है। अब ये टाइम पे हम लो कर देंगे गैस की फ्लेम को। और अगर गोश्त आपका ज़्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिए, और कम है तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा डाल रही हूँ। और एक बात याद रखिए, मैंने पानी पूरा निथार लिया है, कुछ भी पानी नहीं है। आप पानी पूरा निथार लिया, पूरे सूखे गोश्त के दलिए डालें। डालते वक्त गैस की फ्लेम हमने लो कर दी थी, एहतियात रखिए, थोड़ा उड़ने का खतरा होता है, तेल हाथ पे आता है थोड़ा सा। अब आप क्या कीजिए, फिर से गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए, और ये गोश्त के जो पीसेस है इसे अच्छी तरीके से कुरकुरा, यानी कि जिस तरह हम चिकन रोस्ट वगैरह फ्राई करते हैं, वैसे इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होते। देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से फ्राई होना शुरू हो गया है। आप इसे पलटने की गड़बड़ बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि एकदम डालते से अगर आप पलटने की कोशिश करेंगे तो जो गोश्त है पीसेस उसको चिपक जाएंगे भगोने के जो तले को, तो वो बिल्कुल टूटने लगेंगे। थोड़ी देर बाद पक जाएगा, तो फिर आसानी से देखिए इस तरीके से अब ये पलटना शुरू हो गया है। अगर अपन स्टार्टिंग में ही इसे करेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। अब एक साइड से इस तरीके से पकड़ के मदद से पकड़ लीजिए, और ये चेक कीजिए। अगर आपको लगे कि अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं कुरकुरे, तो आप इसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और निकाल लेंगे इसे। अब हमने फिर से गैस ऑन कर दिया है, और जो हमने बर्तन के अंदर फ्राई किए हैं गोश्त के पीसेस, उसी बर्तन के तेल को इस्तेमाल किया है। थोड़ा तेल हमने इसमें से कम कर दिया है, और यहाँ 1 से 2 टेबलस्पून तेल इसमें रहने दिया है। अब इसे हम इसी के अंदर हम सूखे वाले मसाले ऐड करेंगे, जो हमने ये वाले लिए थे, पूरे के पूरे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और गैस की फ्लेम को लो कर दिया है ताकि मसाले जले ना। और अगर आपको ऐसा लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि पहले से ही हमने इसके अंदर फ्राई किया हुआ गोश्त है, तो तेल ऑलरेडी गर्म था, तो कुछ देर के लिए आप ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सूखे वाले मसाले सभी के सब एक साथ ऐड कर देंगे। आप देखिए मैं इस तरीके से पकड़ कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी स्टेज पे लगे कि कुछ जल रहा है मसाले, तो आप इस तरीके से गैस की फ्लेम से उसे थोड़ा हटा दीजिए या फिर ऑफ कर दीजिए। अब ये मसाले और सभी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब जो गोश्त के पीसेस हमने फ्राई करके रखे हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसे भी अच्छी तरीके से इस तरीके से, या तो फिर स्पून चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालते वक्त मैंने थोड़ा गैस ऑफ कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा तेल और मसाले गर्म हो गए थे। अब फिर से मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब हम ये रस में पूरे गोश्त के पीसेस और मसाले पके तक बस इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट, और उसके बाद ये हमारा अचारी गोश्त बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सभी मसाले, नींबू का रस वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है अचारी गोश्त, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार है अचारी गोश्त, ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे ठंडा होने के बाद एक बर्तन में रख दीजिए। आप 3 से 4 दिन बनाकर इसे रख सकते हैं और खा सकते हैं। बस जब भी आपको खाना खाना हो, थोड़ा हल्का सा इसे गर्म कर दीजिए और खाने के साथ खाइए। बिल्कुल अचार का मज़ा आएगा, उससे भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा ये। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, जिस तरह मैंने बताया सेम उसी मेथड से। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।